हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय स्टडी मेड दिल्ली चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं पठन अभियान के अंतर्गत गतिविधि पत्रक संख्या 15 को, जो क्लास 6, 7 और 8 तीनों क्लास के छात्रों के लिए शेड्यूल किया गया है और जिसे दिनांक 3 फरवरी 2022 के लिए SCERT के माध्यम से शेड्यूल किया गया है। विद्यार्थी सबसे पहले यहाँ अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने शिक्षक का नाम लिखेंगे, दिया है। प्यारे बच्चों, आइए हम एक कविता का पठन करते हैं। आप इस कविता को पढ़िए और सोचिए कि इस कविता में किसके बारे में बात की गई है। इस कविता को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए अभ्यास कार्य को पूरा कीजिए। आपको एक कविता पढ़नी है जो आपकी स्क्रीन पर दिया गया है और उसी के अकॉर्डिंग आपको कुछ आसान से सवालों के जवाब देने होंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। आइए कविता को देखते हैं। आपको साइड साइड में कुछ चित्र दिए हुए हैं और उसी से रिलेटेड आपकी कविता है, ठीक है बच्चों? तो देखिए, तुमने क्या नहीं देखा आग सी छलकती मैं, पेड़ पौधे जीव जंतु सबको रात दिन झुलसाती मैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस मौसम की बात हो रही है। देखिए, यहाँ आग सी सूर्य एकदम तप रहे हैं, ठीक है। तुमने क्या नहीं देखा, क्या तुमने नहीं देखा आग सी झलकती मैं आग सी दिखती हूँ, ठीक है। पेड़ पौधे जीव जंतु सबको दिन रात झुलसाती हूँ, ठीक है। इस मौसम में क्या होता है, यानी कि ग्रीष्म ऋतु की बात हो रही है। इस ऋतु में क्या होता है, सूर्य जो है तप रहा होता है और उससे पृथ्वी भी तप रही होती है, पेड़ पौधे जीव जंतु सब झुलस रहे होते हैं, ठीक है। तुमने क्या नहीं देखा बाढ़ सी उमड़ती मैं, ठीक है। यहाँ से देखिए दूसरे मौसम की बात हो रही है। तुमने क्या नहीं देखा बाढ़ सी उमड़ती मैं, रिमझिम बरसाती मैं नहीं मुझे पहचाना, ठीक है। देखिए यहाँ पे बरसात, यहाँ पे देखिए ये बरसात ऋतु की बात हो रही है, वर्षा ऋतु की, ठीक है। तुमने क्या नहीं देखा बाढ़ सी उमड़ती मैं, क्योंकि जब बरसात आती है तो उस समय बाढ़ भी आने लगती है, जगह जगह पानी भर जाता है। रिमझिम बरसाती मैं, ठीक है। फिर आगे देखिए बात हो रही है, धूल भरी आंधी में तिनका सी उड़ाती मैं, ठीक है। इसी सब बरसात में ही होते हैं, धूल भरी आंधी में तिनका सी उड़ाती मैं, जानोगे तब जब कोहरे सी घिर जाऊंगी। अब देखिए इस ऋतु की बात हो रही है, शीत ऋतु की, जानोगे तब जब कोहरे सी घिर जाऊंगी, ठंड से सिकुड़ जाऊंगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर शीत ऋतु की बात हो रही है और आंधी तूफान आपको यहाँ पे भी बसंत ऋतु में भी आपको देखने को मिलेंगे। क्या मैं हर साल हर बार आऊँगी, यहाँ पर देखिए कुल चार मौसमों की बात हो रही है, एक तो ग्रीष्म ऋतु की, दूसरा वर्षा ऋतु की, ये शीत ऋतु है और यहाँ पे जो है बसंत ऋतु को दर्शाया गया है, जिस समय सारे पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं, काफ़ी सुनहरा मौसम होता है। तो इसी से रिलेटेड आज की कुछ वर्कशीट के कुछ क्वेश्चन हैं जो आपके एक्टिविटी शीट के अंतर्गत चार प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। तो आइए इन प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है, इस कविता में कौन कौन से शब्द आपको कठिन लगे उन्हें लिखिए। तो इसमें हम लोग लिख लेंगे, जैसे जो भी आपको कठिन लगे होंगे आप उसको लिखेंगे। जैसे कुछ जैसे कठिन थे वो मैंने लिखा, झलकती झुलसाती उमड़ती रिमझिम बरसाती आंधी तिनका सिकुड़ती। तो अगर इसके अलावा भी कुछ आपको और से कठिन लगते तो आप भी उसमें और जोड़ सकते हैं, या इसमें से दो चार ही अगर आपको लगते हैं तो दो चार ही आप लिख लेंगे। दूसरा प्रश्न है कि इस कविता में किन ऋतुओं की बात की गई है उनके नाम लिखिए। तो देखिए आपके जो एक्टिविटी शीट है उसमें जो है कुल चार ऋतुओं का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो कविता के हिसाब से केवल चार ऋतुओं का ही नाम लिखना, वैसे तो छः ऋतुएँ होती हैं, तो इसमें चार ही आपको दर्शाने जो कि कविता में है। तो देखिए, एक तो आप लिख लेंगे इसे ग्रीष्म ऋतु, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं समर सीजन, ठीक है। दूसरा लिख लेंगे वर्षा ऋतु इसे, ठीक है, जिसको बोलते हैं रेनी या मानसून।
तीसरा लिख लेंगे शीत ऋतु, यानी कि ये, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं विंटर सीजन। और ये चौथा जो है ये है बसंत ऋतु, जिसको बोलते हैं स्प्रिंग सीजन। तो कुल चार ऋतुएँ यहाँ पे हो जाएंगी आपकी, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु और वसंत ऋतु। अगला जो प्रश्न है, आपको कौन सा मौसम सबसे अच्छा लगता है, उसके बारे में पांच वाक्य आपको लिखने हैं, ठीक है। तो इसमें आप लिख लेंगे मुझे वसंत ऋतु पसंद है, इसमें मौसम न तो बहुत ठंडा होता है और न ही बहुत गर्म। फिर लिख लेंगे दिन और रात बराबर होते हैं, यह हरियाली, फूलों, फलों और त्योहारों का मौसम होता है। जब जीव जंतुओं और पेड़ पौधों में नव जीवन का संचार हो जाता है, ठीक है, इसे सभी ऋतुओं के राजा के रूप में भी जाना जाता है। तो वैसे भी अगर सही मायने में देखा है, सबसे सुनहरा जो मौसम होता है वो बसंत ऋतु का होता है और सभी को उसका इंतजार रहता है। जो चौथा प्रश्न है, एक गतिविधि है, अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से कौन सी ऋतु कब से कब तक होती है, इसके बारे में अपने परिवार से चर्चा कीजिए। अंग्रेजी का जो कैलेंडर होता है, अंग्रेजी कैलेंडर जिसमें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल कुल 12 मंथ होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको दिखाना है कि ऋतुएं कब से कब तक होती हैं। तो इसमें आपको कुल 6 ऋतुओं का वर्णन करना होगा। इसके बारे में आप जो है परिवार से भी हेल्प ले सकते हैं। तो आप ऐसे लिख लेंगे, ठीक है, जैसे कि मैंने इसमें हिंदी मंथ को भी, जो हिंदू मंथ है उसको भी हमने ऐड किया है, जिसको आपको नहीं जोड़ना है, लेकिन हो सकता है आपके घर वाले इसको बताएं तो आप इसके अकॉर्डिंग आप इसे कर पाएंगे, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए बसंत ऋतु है, तो इसको आपको देखिए जो भी ऋतु है लगभग 2 मंथ का होता है, कुल 12 महीने हैं, तो 12 में 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो 6 ऋतुएँ आ जाएंगे आपके, ठीक है। तो देखिए वसंत ऋतु जो है मार्च और अप्रैल, ठीक है, ग्रीष्म ऋतु मई जून, वर्षा ऋतु जुलाई अगस्त, ठीक है, और शरद ऋतु क्या है कि सितंबर अक्टूबर और मध्य नवंबर तक, ठीक है, और हेमंत ऋतु जो है नवंबर दिसंबर, और शीत ऋतु जनवरी फरवरी। अगर मोस्टली देखें तो हर एक ऋतु जो है 2-2 मंथ की है, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं कि जैसे वसंत ऋतु को हिंदी में बोल, जो महीना है मार्च अप्रैल का, जैसे इसको चैत्र और बैसाख बोल देंगे, मई जून को ज्येष्ठ आषाढ़, जुलाई अगस्त को श्रवण भाद्रपद, सितंबर अक्टूबर नवंबर अश्विना अश्वयुज कृतिका, और नवंबर दिसंबर मार्च शीश पौष, और जनवरी फरवरी माघ और फाल्गुन। जैसे बच्चों आपको आंसर लिखना है तो आप बस ऐसे लिख लेंगे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, जिसमें बस ऋतुओं के नाम रहेंगे और इधर महीने हो जाए किस किस महीने में, ठीक है, तो यही पर्याप्त रहेगा। तो बच्चों इसी के साथ आज की ये आपकी एक्टिविटी सीट कंप्लीट होती है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।